हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 33 फीट बाई 53 फीट के प्लान के बारे में। कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि आपका एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, नीचे पार्किंग दी हुई है और फिर आपका फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर यहाँ पे गिवन है। जो सबसे पहले बात करते हैं पार्किंग की, तो आपका जो मेन एंट्री है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से है, या नॉर्थ डायरेक्शन आप बोल सकते हैं। नीचे कंप्लीट एरिया पार्किंग का रखा गया है और यहाँ पे एक ऑफिस बनाया गया है 13 फीट बाई 11 फीट का, और अटैच इसमें वॉशरूम और स्टोर बनाया गया है। और यहाँ से आपका वेस्ट डायरेक्शन से स्टेयर्स को चढ़ाया गया है। जैसे हम एंट्री करते हैं तो 7 फीट 9 इंच का आपका वाइड पैसेज मिलता है। सामने आपका ड्राइंग रूम है 10 फीट बाई 11 फीट का। उसके बाद यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन का प्रोविजन है 10 फीट बाई 8 फीट का। यहाँ से आपकी बालकनी का प्रोविजन दिया गया है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम बनाया गया है 13 फीट बाई 11 फीट का, जिससे अटैच टॉयलेट एंड स्टोर रूम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रंस रूम है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 10 फीट बाई 10 फीट का, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही पूजा रूम दिया गया है 10 फीट बाई 5 फीट 6 इंचेस का। गेस्ट रूम बनाया गया है यहाँ पे 13 फीट बाई 11 फीट का, और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट है 7 फीट बाई 5 फीट 7.5 इंचेस का, जहाँ बाहर ओपनिंग दी गई है। सामने वाइड बालकनी है 3 फीट बाई 6 फीट का। और जैसे आप ऊपर जाते हैं इसे, तो सेम प्रोविजन ऊपर प्रोवाइड किया गया है एज इट इज, और यहाँ पे बालकनी का प्रोविजन है। तो ऐसे करके आप इस चीज को बना सकते हो और यहाँ पे आप इसका 3D देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूले। और प्लीज अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है और न्यू है आप मेरे चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। We'll be right back.